और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जमान पार्क में एहतजाज का नोटिस ले लिया है। चेयरमैन नादरा, मुतासरीन से मुलाकात करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह हदायत जारी की है। तफसीलात जान लेते हैं। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल कैसर, बताइएगा, कुछ देर पहले एहतजाज किया जा रहा था, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अब नोटिस ले लिया गया है। सुहेल कैसर से राबता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जमान पार्क में एहतजाज का नोटिस ले लिया है। चेयरमैन नादरा, मुतासरीन से मुलाकात करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से यह हदायत की गई है। ये मनाजिर कुछ देर कबल के जमान पार्क, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहायशगाह के बाहर ये मुलाजमीन यहाँ पर सरापा एहतजाज थे। इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि वो नादरा के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं और अब वो काम करें या नादरा के चक्कर लगाएं। और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज जमान पार्क में इस एहतजाज का नोटिस ले लिया है। तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पश्तून बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग वो लोग हैं जो मुख्तलिफ कबायली एजेंसियों से आकर लाहौर में बसे हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन्हें अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाने में काफी मुश्किल का सामना है। और इस हवाले से पहले भी इनकी तरफ से तहफात का इजहार सामने आ चुका है। ये इल्जाम भी सामने आ चुके हैं जी के नादरा हुकाम इनके शनाख्त कार्ड बनाने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नादरा हुकाम का मौकफ है कि वो जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद ही इनका शनाख्त कार्ड बनाएंगे। तो इसी को लेकर एक अच्छी खासी तादाद जो है वो जमान पार्क पहुंच गई, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त अपनी मुख्तलिफ सियासी मसरूफियात में मसरूफ हैं, लेकिन इस एहतजाज की खबर उनके कानों तक भी पहुंच गई है, जिसके बाद अब उन्होंने इस बात का नोटिस लेते हुए नादरा हुकाम को चेयरमैन नादरा मुतासरीन से मुलाकात करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह हदायत की है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल कैसर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।